जेल में एक ऐसे मृत्यु रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिसने अभी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पष्ट हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के कारण होते हैं, विभिन्न कारणों से आंखें समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती है किंतु उनमें दृष्टि खत्म हो गई अर्थात आते हुए भी इंसान उदास हो जाता है। आपके पर्दे की कई बीमारियां मुख्य दृष्टि विनाश का कारण बनती है और ये जीवन में अंधत्व ले आती है। आज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। क्या नाम है विकास जी? विकास जी कहाँ रहते हैं? नागपुर। क्या परेशानी हुई? सर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है मुझे। विकास जी कौन है आपके? ये मेरा एक ही पुत्र है मेरे जीवन में, ये एक पुत्र विकास जैन है और एक बिटिया है। आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है, अचानक इसका एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। ये नागपुर में पढ़ रहा था बी के बाद एम। आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है, अचानक इसका एक एक्सीडेंट हुआ। ये नागपुर में पढ़ रहा था बी के बाद MBA कर रहा था कि अचानक वहाँ एक डॉक्टर को इन्होंने दिखाया तो मुझे ये पता चला कि इसको रेटिना RP का प्रॉब्लम है, रेटिना पिगमेंट। और इसके बाद मैं एकदम से नर्वस होने लगा जब डॉक्टरों ने बताया कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। मैं इसके बाद चेन्नई गया शंकर हॉस्पिटल, वहाँ पर दिन भर बैठे रहे, उन्होंने पूरा टेस्ट किया, बोले हम इसकी कोई रिकवर की कोई गारंटी नहीं देते, हाँ इसके आगे के लिए इसके जो दूसरी चीजें हैं उसका टेस्ट कर सकते हैं कि किन कारणों से हुआ, पर निश्चित रूप से कहा ही नहीं जा सकता कि इसका कोई ट्रीटमेंट है। उसके बाद अहमदाबाद गए, अहमदाबाद के बाद जितने भी डॉक्टर थे प्राय सभी के पास इसको दिखाया और सभी ने ये कहा कि ये RP डोसा का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता, आप तो ऐसा करिए कि जितना भी फायदा जितनी जिंदगी इसकी है उसको अपने ढंग से। अब ये सब सुनने के बाद मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मैं चाहता था कि ये भी 80 जिंदगी जिए, तो हम दोनों ने मतलब उसी समय मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि यार ऐसे ज्यादा बेहतर है कि अपन सुसाइड कर लें और ज्यादा कर इस जिंदगी को खत्म कर दें कि बेटा अपने सामने स्थिति में रहे। हम दोनों को हमारे बच्चों ने हमको साहस दिया कि नहीं पापा जिंदगी में आए हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे मैं कॉलेज में दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, सेशन देता हूँ, पर उस समय की ऐसी स्टेज मेरे साथ स्वयं आ गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। निश्चित है कि इसके दूसरे ट्रीटमेंट कहीं कहीं कुछ भी चलते रहा पर मुझे लगा कि कोई भी इसके सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं इसके सर्विस अच्छी सर्विसों में था उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि रात को मोटरसाइकिल से जाना आना 24 घंटे की ड्यूटी थी, सारी नौकरी इसको छोड़ने के बाद मुझे पर यहाँ आने के बाद निश्चित है मैं सबको ही ये कहूँगा कि इसे भी कहना चाहूँगा जो आई के मामले में बहुत अधिक रिसर्च, आज निश्चित है कि रिसर्च बहुत बड़े एरिया में फैलती जा रही है, वो भी डॉक्टर ऋषभ जैन को कहीं ना कहीं कंसल्ट करें और देखें कि उनका फायदा है कि उनको कंसल्ट करना चाहिए कि इस छोटे से शहर में उन्होंने, मैं उन्हें बार बार ये कहता हूँ कि डॉक्टर साहब आपकी जो रिसर्च है वो कितने बड़े लेवल की होगी कि आपने इतने सालों में धीरे धीरे किस स्टैंडर्ड से किस लेवल से इस रिसर्च को आगे बढ़ाया है कि हर चीज़ में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपने जो एक एक्सरसाइज और जो संबंधित दवाइयां आपने प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो निश्चित कई सालों की मेहनत का परिणाम आपका है जो लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप सब जितने भी इस तरह के पेशेंट हैं जो दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं, निश्चित है एक बार मेरे इस स्टेटमेंट के आधार पर, मेरे इस इंटरव्यू के आधार पर कहीं ना कहीं आए। और ज्यादा है जो नहीं है, ये एक्चुअल वीडियो और सही वीडियो है, आप कभी भी आके मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, मेरे बेटे से भी संपर्क कर सकते हैं जो कि आपको सारे डिटेल बता सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने जो इतना मेरे लिए किया, बच्चे के लिए किया और इतना जो आपका योगदान है, आपके स्टाफ का योगदान है, जैसा जो ट्रीटमेंट मिला, घर जैसा व्यवहार मिला, उस सब के लिए हम आभारी हैं। और ये मैं मानता हूँ कि 7-8 महीने के बाद ये पहले जैसे स्कूटर या गाड़ी मोटरसाइकिल चलाता था कॉन्फिडेंस के साथ, उसी तरह से ये चलने लगेगा। यहाँ पर आए और डॉक्टर ऋषभ जैन से संपर्क करें और उनसे एक देखें
कि उन्हें कितना फायदा होता है। थैंक यू। तो जिन साहब आप तमाम विश्व को ये संदेश देना चाहेंगे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नामक असाध्य बीमारी का इलाज हमारे देश हिंदुस्तान में ढूंढ लिया गया है। डॉक्टर साहब, आपने गूगल पे और जितना भी सर्च किया, जहाँ पर भी सर्च किया, तो मुझे स्वयं भी विश्वास नहीं था कि इस तरह के बीमारी का कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। पहले बहुत सारे यूट्यूब पे आते थे वीडियो, जिसमें कई लोग दावे करते हैं आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में और कई पैथी में कि इसका इलाज है, पर जितना भी मैंने देखा और समझा तो मुझे समझ में आया कि फेक वीडियो बहुत सारे बनाए गए हैं और अधिकांश लोगों का जो विश्वास है उन वीडियो के कारण ही खराब होने लगा है। पर यह निश्चित ही सही वीडियो है, ये फेक वीडियो नहीं है। और मैं उन रिसर्च स्कॉलर और एक्सपर्ट के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में उज्जैन में इसका जो सॉल्यूशन निकला है वो आज तक विश्व में कैसे नहीं आया, इतनी बड़ी रिसर्च कैसे नहीं हो पाई और जिसको असाध्य बीमारी बना दिया गया वो यहाँ पर साध्य हो रही है और सब लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं, अभी मेरी जिन लोगों से मुलाकात यहाँ पर हो रही है, कोई आ रहा हैदराबाद से, तो कोई कलकत्ता से, तो कोई कश्मीर के क्षेत्र से, कोई बर्मा के क्षेत्र से, कोई नेपाल के क्षेत्र से, चारों ओर से लोग आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक को फायदा, सभी को फायदा। जो भी आ रहा है बार बार आता है, बार बार मुझसे मिलता है कि देखो हमारी एक शर्मा जी है, वो बर्मा की पहाड़ी के पास रहते हैं। परसों ही उनका फोन आया था कि मैं दीपावली के समय आ रहा हूँ, आपसे निश्चित रूप से मिलूंगा। उसके लड़के को पहली बार वो ले गए और उन्होंने कहा कि निश्चित है कि मेरे लड़के को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और मैं दोबारा आऊंगा। तो फायदा तभी आदमी दोबारा आता, तिबारा आता या चौथी बार आता, जब उसको फायदा हो। तो मैं सारे डॉक्टर्स से, बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट हैं जिनके सामने जाने में आदमी को समय की जरूरत पड़ती 5 मिनट, से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर ऋषभ जैन की रिसर्च को जरूर एक बार समझे, देखे और इनसे जो ठीक हो रहे हैं मरीज उन सबसे भी मिलके देखें। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के ऊपर आप एकदम से विश्वास कर लें। जितने भी मरीज यहाँ पर प्रैक्टिकली रूप से सही हो रहे हैं उनसे भी एक बार मिलें, उनका रिसर्च देखें, आपको पॉजिटिव ही थिंकिंग मिलेगी यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में डॉक्टर ऋषभ जैन पॉजिटिव थिंकिंग भर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग अपने आप खत्म होती जा रही है। हर व्यक्ति को जीने की लालसा बनती चली जा रही है, जो उनका जीवन अंधकार में था अब प्रकाशमय होने लगा है और हर कोई ये चाहने लगा है कि कैसे इस बीमारी का इलाज उन्होंने खोजा। मैं तो उनकी पूरी डिग्री देख रहा था एक दिन, उन्होंने 69 में MBBS BS किया, फिर एथोलॉजी आई के इस रूप में एक्सपर्ट के रूप में डिप्लोमा डिग्री ली और उसके बाद से 71 के बाद से मेरे ख्याल से वो रिसर्च में भिड़े रहे। डॉक्टर ऋषभ जैन को हम लोग कहाँ से जानेंगे, हम लोग रहते हैं नागपुर में, डॉक्टर ऋषभ जैन उज्जैन में एक आध रिश्तेदार जरूर है, पर मैं ऋषभ जैन को पहले कभी नहीं जानता था। पर अचानक मुझे YouTube का एक संदेश मिला, उसी संदेश के माध्यम से मैंने डॉक्टर ऋषभ जैन को कंसल्ट करने के पहले जितने यहाँ पेशेंट थे, मेरी बिटिया स्वयं आई और उसने उन पेशेंट से बातचीत की और उन पेशेंट से बातचीत करने के बाद वो एक शादी में आई थी, एक घंटे का समय लेके पेशेंट से जब डिस्कशन की और उसको लगा तो उसका तुरंत मेरे पास फोन आया कि पापा आप इसको तुरंत भेज दीजिए। पहले वो कह रही थी कि अपन देखेंगे बाद में सोचेंगे, पर जैसे ही उसने यहाँ पर देखा सब लोगों को, उसका तुरंत मेरे पास फोन आया कि पापा इसको तुरंत भेजिए, नहीं तो अपन बहुत देरी करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर जल्दी आइए, उससे आपको उतना ही तेजी से फायदा मिलेगा और आप सबको फायदा मिलेगा। और उन डॉक्टर से और उन विशेषज्ञ की डॉक्टर ऋषभ जैन को एक बार जरूर कंसल्ट कर, आप देखेंगे कि जीवन में कहीं छोटी जगह में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, ऐसा ज्ञान जो एक किसी का नहीं रहता, विश्व में कहीं पर भी हो सकता है। वही मेरा निवेदन है कि इस ज्ञान के परखिए और देखिए कि कैसे रेटिना पिगमेंटोसा की ट्रीटमेंट हो रहा है और किस तरह से मरीज अपने आप ठीक होते जा रहा है। उनका ट्रीटमेंट लेते ही एकदम से फायदा ही फायदा हो रहा है और हर किसी को लगता है कि नेक्स्ट बार मैं फिर आऊंगा और जब तक ठीक नहीं होता मैं डॉक्टर ऋषभ जैन के पास हमेशा आते रहूंगा। डॉक्टर ऋषभ जैन ने एक बहुत छोटी सी लैब से शुरू किया था, रिसर्च वर्क पढ़ते पढ़ते एक बड़ा हॉस्पिटल और उससे बड़ा हॉस्पिटल जब मिला। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर साहब निश्चित है कि आपका जो रिसर्च वर्क है एक समय ऐसा आएगा कि आप किसी को समय नहीं दे पाना है, क्योंकि इस बीमारी का कहीं इलाज ही नहीं हो रहा है।
तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार मैं जैसा हूँ सबके साथ एक सामान्य व्यक्ति बन के ही रहना चाहता हूँ, मैं भले ही कितना बड़ा डॉक्टर हो जाऊँ पर सामान्य व्यक्ति की ही भांति सबका ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य है, लोगों के जीवन में प्रकाश आए ये सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा है। और जब उनके साथ उनके जो असिस्टेंट हैं सब लोग प्यार से उन्हें बब्बा जी कहते हैं, उनसे मिलते हमेशा, ये उज्जैन नगरी में महाकाल का प्रसाद है जो सबको बट रहा है, हर कोई ले जाए यहाँ पर महाकाल का प्रसाद। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इस महाकाल की नगरी में प्रसाद जरूर पाए, सबके जीवन में उजाला होगा। मैं ये सब ऊपर वाले की कृपा मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ऐसे डॉक्टर को ये सारी रिसर्च वर्क दिया और उसके माध्यम से सारे लोग अपने आप ठीक होते जा रहे हैं, अपने आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मेरे बेटे के लिए आपने किया जितना अच्छा ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं होगा। ये मैं अभी गारंटी के साथ कह सकता हूँ जितना मेरा अध्ययन है उसके बाद। इसके लिए ऑपरेशन भी हो रहे हैं, इसके लिए बेसिक रूप से कई चीज़ें हो रही है, पर वो सारे ऑपरेशन थोड़े दिन के लिए तो सक्सेसफुल हैं पर लंबे समय के लिए सफल नहीं है। मैंने इसके पहले स्वयं भी अपने बेटे का एक ऑपरेशन, और उन्होंने पेट की एक नस निकाल कर वो उसे आँख के पास ज्वाइंट किया था। एक्सपर्ट डॉक्टर वहाँ बैठे हुए थे मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अग्रवाल वो, और डॉक्टर क्या हार्डिया जी, आई स्पेशलिस्ट वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टरों में एक माने जाते हैं। और मेरे ख्याल से उन्होंने जितने ऑपरेशन किए हैं उतने ऑपरेशन का एक रिकॉर्ड बना हुआ है, इतने सारे आँख के ऑपरेशन उन्होंने किए, इतना ट्रीटमेंट उन्होंने किया है। वो सारा ट्रीटमेंट बहुत साल पहले, 15 साल पहले की बात था, ऑपरेशन के बाद थोड़े दिन तो ठीक रहा पर इसके बाद फिर वो पिगमेंट डोसा का जो असर था वो शुरू हो गया। पर यहाँ मैं जो देख रहा हूँ, एक बार के बाद दूसरी बार, दूसरी के बाद तीसरी बार, अपने आप उसका फ़ायदा मिलते चले जा रहा है और जीवन प्रकाशमय होते जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये मानता हूँ कि जो सुप्त हो गया है, जो आँखों की नसें बिल्कुल डेड स्थिति में पहुँचने लगी, जिसको अपन ब्लैक करते चले जा रहे हैं आँखों को, वो फिर से पुनर्जीवित हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है, अभी तक किसी ने इस पर रिसर्च नहीं किया कि जो सुप्त हो गई, लोग कहते थे कि जो आँख में है हम उतना ही लाइट आपको दे सकते हैं, जो चला गया उसको हम नहीं ला सकते। पर डॉक्टर ऋषभ जैन के ट्रीटमेंट से एक चीज़ है कि वो सुप्त हुई आँखें, कई लोग ऐसे आए मुझे दिखे यहाँ, कई बच्चियाँ ऐसी आई जिनको बिल्कुल नहीं दिखता था, अब आप सोचिए कि जिसको बिल्कुल नहीं दिखता उसको लगा लाइट दिखने लगी, जो क्लियर पहचानने लगे लोगों को। मैं स्वयं बात करते रहता हूँ सबसे, मैं एक टीचर हूँ तो टीचर की भांति हर किसी को जानता पहचानता सोचता समझता और उससे डिस्कशन करता हूँ, तो मुझे ये लगा नहीं वास्तव में इन सबको फायदा है। अब ये फायदा एक बार दो बार तीन बार में कितनी तेजी से होगा कम होगा, यह हर किसी की बॉडी पर निर्भर करता है, एज पर निर्भर करता है, किसी को स्लो हो रहा है, पर फायदा तो है और ये लगातार हो रहा है और ये जीवन में लगातार होते रहेगा। इसको एक बार आदमी को मिलने के बाद ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो चीज़ बिल्कुल मृतप्राय थी उसको फिर से पुनर्जीवित करना, ये तो मैं कहूँगा कि ये ऊपर वाले की ही देन डॉक्टर साहब को है जो उन्होंने इस तरह की रिसर्च की और उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। और निश्चित है कि उस फायदे का सब लोग लाभ लें, ये मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ। और आप मुझसे संपर्क करें, कभी भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, मैं हमेशा उन लोगों को सारी चीज़ों को समझाऊंगा और स्वयं यहाँ लेके आऊंगा यदि वो चाहें, और डॉक्टर साहब से मिलाऊंगा मैं, क्योंकि इस बीमारी से, अपने बच्चे की बीमारी से इतना त्रस्त था कि आज मुझे जो रिलैक्सेशन मिल रही है मैं चाहता हूँ हर माँ बाप को मिले। और मेरा जहाँ पर भी कहीं कोई काम हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं, मैं आप सबकी सहायता करने को हमेशा तत्पर रहूँगा और हर मरीज़ को यहाँ तक लाने का जुम्मा भी मैं लेता हूँ यदि वो मुझसे संपर्क करते हैं और डॉक्टर साहब से मिलाने का। संतान के प्रति
जो एक प्रेम है, जो एक चिंता है, उसको खत्म करके प्रेम और उल्लास का वातावरण महसूस कर सके। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद आपको प्रोफेसर साहब, आपने जिस सादगी से सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी कि सुराग आसमां में भी हो सकता है, जरा तबीयत से एक पत्थर उठा लो, तो वो प्रयास है हमारा कि हर व्यक्ति की आंख की जाती हुई रोशनी को पुनः पकड़ के लाएं और उसके जीवन में फिर उजियारा करें। ये हमारा समग्र प्रयास है और सारे विश्व को ये हम देना चाहते हैं और ये खबर करना चाहते हैं कि यस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज संभव है। आप बधाई के पात्र हैं जो आपने इस तरह की रिसर्च की, एक अलग सोच के साथ, एक अलग पद्धति के साथ। आप आई एक्सपर्ट तो बहुत से हैं, बहुत से लोगों ने डिप्लोमा डिग्री, कई लोग बैठ गए हैं, पर कभी उन्होंने इस तरफ नहीं सोचा है, क्या मुझे समझ में नहीं आता। पर आपने एक नए क्षेत्र को चुना, एक नया चुनाव किया, जो असाध्य है उसको साध्य बनाया, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ कि आप कभी भी हम जैसे गार्जियनों की आवश्यकता पड़े, हम लोग हमेशा आप पड़े, हम लोग हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं कि जो आपने किया है। तो मैं ये बधाई मेरी तरफ से नहीं, पूरे विश्व की तरफ से बधाई होनी चाहिए कि इतना बड़ा रिसर्च वर्क आपका किया हुआ है। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बधाई हो, आपके परिवार में पुनः खुशहाली आई और एक अंधे मोड़ से आप पुनः वापस आए हैं, उस जंग को जीता है जो हताश होकर जिंदगी को खत्म करने की सोच रही थी। ईश्वर ना करे ऐसा कोई और परिवार हो ये स्टेप उठाने के पहले टूट जाए, मगर हमारा ये विश्वास है कि टूटने के पहले संभलो, संभले के पहले संभल के विचार करो, आगे बढ़ो। ठीक, बहुत सारी बधाई आपके। पुनः कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अंधेरे से उजियाले की ओर चलो, पुनः एक बार यहाँ पधारो, अंधेरे से हमें उजियाले की ओर जाना है, एक बार ऋषभ जैन से, डॉक्टर ऋषभ जैन से संपर्क अवश्य करना है। रोशनी बढ़ती चली जा रही, रोशनी बढ़ती चली जा रही, फिर विजन बढ़ता चला जा रहा है। देश के कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है, उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।